Today we are going to study three different models. One is given by Harold D. Lasswell, another is given by George Gerbner, and the third one is given by Newcomb. So we have three different models, and they all talk about communication. So you can understand that there can be different ways of explaining the very simple act of communication. It only depends how you are talking about it. Somebody can simply say that you have a sender, you have a message, you have a receiver. This is the model of communication. Somebody might say that you do have a sender, but then you also need some kind of medium. Are you using a phone? You're using a pen and paper and writing it down. You are drawing a painting and telling what you want to convey. So the medium is also important. And then they can also talk about that when it comes to mass communication, how others are receiving it. You are using a camera to record your video, but are they going to watch it on YouTube or are they going to watch it on big screen in theaters? So there is technology involved at both ends. And then there are people, those who would like to talk about that this is not so simple like talking about sender, receiver, and message. We also need to understand that when you send a message, you are involving yourself into intentionally selecting a content to be shown to people or to be written down in newspaper and to be given to people to read about it. तो एक एक करके आज हमें इन सब के बारे में कि कैसे अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग तरह के मॉडल्स दिए हैं, अलग अलग तरह के हमारे को यहाँ पर एक डमी स्ट्रक्चर दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि हम कैसे कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। डमी और मॉडल से मतलब यही है कि वो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक बहुत ही रॉ फॉर्म में एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है जिससे कि आप समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से होता है। सो तीन मॉडल आज हम पढ़ने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद द इजी वन, जो थोड़ा इजी है। हेयर इट इज गिवन बाय हैरोल्ड डी लेसवेल। हैरोल्ड डी लेसवेल ने ये 1948 में इस मॉडल को दिया था, और ये जो मॉडल है, दिस पर्टिकुलर मॉडल इज बेसिकली लीनियर इन नेचर। यू कैन सी दैट वी आर फॉलोइंग अ लाइन। ये भी लीनियर है, जैसे कल हम पढ़ रहे थे शेनन एंड वीवर मॉडल, ये उसी तरीके से आपको लीनियर आइडिया देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडिशन जो है वो है लास्ट एलिमेंट का, दैट इज विद व्हाट इफेक्ट। अब बात करते हैं इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहला एलिमेंट इस मॉडल में है हु। आई एक्सप्लेन ईच एलिमेंट। हु से मतलब है कौन मैसेज भेज रहा है, यानी कि हु इज द सेंडर। इफ सेंडर इज गवर्नमेंट, इफ सेंडर इज अ प्राइवेट कंपनी, सम प्राइवेट मीडिया हाउस, सम काइंड ऑफ अ टीचर इन एन इंस्टीट्यूट, और द सेंडर इज योर सिबलिंग, द सेंडर इज योर फ्रेंड। सो हु इज द सेंडर, देन सेज व्हाट, हु इज द सेंडर एंड व्हाट दिस सेंडर इज सेइंग। क्या कह रहा है ये सेंडर, जो सेंडर है, जो कम्युनिकेटर है, वो क्या कह रहा है। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज इन व्हाट चैनल, कौन से चैनल को यूज करके वो अपनी बात कह रहा है। एंड देन टू हूम, किसको कह रहा है। एंड देन द लास्ट वन विद व्हाट इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। जो सेंडर ये मैसेज भेज रहा है एक पर्टिकुलर चैनल यूज करके एक पर्टिकुलर रिसीवर तक, एक पर्टिकुलर ऑडियंस तक, तो उसका इफेक्ट क्या है। दिस इज द मॉडल गिवन बाय हैरोल्ड डी लेसवेल। और वो ये बोलते हैं द आइडिया गिवन बाय हिम इज दैट व्हेन यू आंसर क्वेश्चंस टू दीज पॉइंट्स, यू बेसिकली अंडरस्टैंड द एंटायर कम्युनिकेशन एक्ट। जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हो, यू आंसर हु द सेंडर इज, यू आंसर व्हाट ही सेज, देन यू आंसर विच चैनल ही हैज यूज्ड, एंड देन यू आंसर टू हुम ही हैज सेंड हिज मैसेज, एंड देन द लास्ट वन विद व्हाट इफेक्ट। अगर आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली व्हाट एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। आई एम अ टीचर,
and I am the sender. So who is the sender? The teacher. And you can even put my name there, that Garima Singh is the sender, she's the teacher. Says what I'm teaching here? Content kya hai mere message ka? Content is that I am teaching model of communication. What channel am I using? I am using this telephonic device, and this is more like digital channel I'm using to send my voice and video at the same time. And then what I'm doing? To whom am I sending this message? To my students. Aur effect kya hai is cheez ka? Effect ye hai that I'm trying to make my students understand the basic idea of what communication is. So this is how you understand an entire communication process by answering these questions. Aur ye questions jo hain, ye aap kisi bhi tarah ke act of communication mein rakh sakte hain. Be it some kind of TV news channel communication, movie or social media communication, newspaper communication, anything. You can put this linear model given by Lasswell into any type of communication and you will get your answer. Now the point comes, how Lasswell has designed this model. Lasswell ne kaise design kara tha? Lasswell was a person who has studied politics and psychology and psychiatry, and he was influenced by different people of his age. He was studying and teaching during the decades of 1920s, 30s and 40s. Is time pe wo research head ke लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका के रिसर्च हेड भी रहे थे. रिसर्च सेंटर जो था वॉर के लिए, उसके हेड भी रहे हैं. उसके हेड रहने के नाते ही हैज़ डन मेजर रिसर्च इन द एरिया ऑफ प्रोपेगेंडा एंड इन द एरियाज ऑफ मीडिया एज अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर. इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए ही हैज़ गिवन दिस मॉडल. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हिज मॉडल talks about effect, because Lasswell has done a lot of research on propaganda. Propaganda pe unhone bahut hi acha, bahut hi you could say detailed, comprehensive research kara tha, jisme ki unhone propaganda ko leke bahut sari definitions, bahut sare concept clarification aur bahut sare article, bahut sara research data bhi develop kara tha, aur usi ke basis pe he has given shape to this model. This is a model given by Harold E. Lasswell. Now we come to another model given by Newcomb. Newcomb ka jo model hai, it is more related to the social process of communication. Newcomb was more concerned to talk about communication not as media, not as technology, not as some kind of act which is looking for a very manipulative effect at the end of the communication. He was more concerned how social equilibrium, that is how the society sustain itself using communication. Ek society jo hai wo apna equilibrium, apna sustainability kis tarike se maintain karti hai communication ko use karti hai. Unhone isliye ye triangle shape ka model diya tha. He talked about that we have sender and receiver, or this is interchangeable, tabhi aap ye arrow dekh sakte hain. Sender and receiver bhi ho sakta hai, aur sender aur receiver bhi ho sakta hai. Basically, the relationship between A and B is like a government and people, teacher and student. So it is two-way process. And there is interactive relationship with X. Now what is X? X se matlab ye hai, anything which is common for A and B, कोई भी ऐसी चीज जो social scenario में, social setting में A और B के लिए common है और उनकी relationship आपस में ऐसी है कि अगर X बदलेगा, यानी कि जो social situation है वो बदलती है, तो A और B का relationship भी आपस में बदलेगा. अगर किसी वजह से B की relationship X के साथ बदलती है, तो A को भी अपनी relationship में changes करने पड़ेंगे. For an example, imagine this. A is the teacher, B is the student, and X is the mode of teaching or maybe mode of examination. So if I am changing the way of teaching, then there will be an impact on the
mode of examination, and it will have an impact on you and also between the relationship between teacher and student. So this is how Newcomb's model explains the triangular but interactive relationship between these three elements. इसको ABX model भी बोलते हैं. मैं एक और example देती हूँ ताकि ये थोड़ा और clear हो. Let's say अभी हम जो farmer protest देख रहे हैं उसी को देखते हैं. A is the government, B is the people, those who are protesting, and X is the policy that they are talking about, the farmer bill. Now A has given a new bill, and that is why the relationship between A and B has changed. Now B jo hai wo protest kar rahe hain because they want change in X. Now is protest ki wajah se agar bill mein yahan par changes hote hain, so again here the relationship will be changing. So this is how you can understand that in order to maintain equilibrium at societal level, at social level, these three elements will always be together into one kind of interactive exchange. और यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही हेल्पफुल है. अब आप प्रोटेस्ट के बारे में वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी इस प्रोटेस्ट की वजह से प्रेशर पड़ रहा है. सो यू कैन सी दैट ए इफ़ वी कंसिडर गवर्नमेंट एंड बी इफ़ वी कंसिडर द फार्मर्स, सो जस्ट बिकॉज देयर इज चेंज एट एक्स लेवल, बिल चेंज हो रहा है, तो दोनों की जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं. This is Newcomb's model, ABX model. और यहाँ पर ए बी कुछ भी हो सकता है. It could be parents and children also. Parents जो हैं वो बच्चों के जो जहाँ पर admission करना है वो school या course जो है उसमें changes ला रहे हैं. So automatically there will be a change between the attitude of children towards the course and the relationship between parents and children. कोई भी तरह की activity हो, कोई भी तरह का act of communication हो, these three elements will always have an interactive exchange during the communication process, and which is very much important for the maintenance of equilibrium at social level. अब बात करते हैं last model की, that is George Gerbner model. This came in 1956. और ये जो मॉडल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम लोग इसको एंड में पढ़ रहे हैं. और आप देख सकते हो डायग्राम भी थोड़ा, दिस इज अ मोर डिटेल्ड डायग्राम. एंड व्हाई इट इज डिटेल्ड डायग्राम, बिकॉज दिस मॉडल टॉक्स अबाउट परसेप्चुअल डायमेंशन एक पॉइंट पे, एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन एट द अदर पॉइंट. सो यू हैव दिस वर्टिकल एस्पेक्ट ऑफ the model, and you also have this horizontal aspect of the model. Dono hi aspect yahan par maujood hain. So let's talk about this model. Koi bhi event world mein kahin par bhi, kisi country mein, state mein, region mein hota hai. Koi match hai, koi conference hai, kisi tarah ka fashion show hai, ya koi bhi, maybe some kind of protest, some kind of rally, anything, any kind of event is there. Now there is this event which is symbolized by E, and then you have M here. M is what? M could be a human being, M could also be a machine. अगर आप उसको कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो M जो है वो एक मशीन भी है, और M वो ह्यूमन बींग भी है जो कैमरा यूज करके रिकॉर्डिंग कर रहा है. तो M इज काइंड ऑफ ओपन टू this you could say the clarification, the concept. यहाँ पर M human being भी हो सकता है और M जो है machine भी हो सकती है. Basically M is the one who is doing selection of the event. Selection of event जिससे हो रहा है वो M है. अब आपने यहाँ पर event का selection करा, कौन से event को record करना है. इवेंट को जैसे आप समझ रहे हो रिकॉर्ड करने के लिए उसे हम बोलेंगे E1,
यानी कि फर्स्ट परसेप्ट ऑफ द इवेंट, पहला परसेप्शन है ये इवेंट का। परसेप्शन क्यों है? क्योंकि कितना भी डिटेल में आप इवेंट को समझना चाहें, आप उसको उसकी 100% की टोटल रियलिटी में नहीं समझ सकते। कुछ ना कुछ है जो आपसे छूट जाएगा, या अगर आप उसको अपने आइडियाज़ के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पर उसके व्यू पॉइंट में होंगे ही। सो इट विल नेवर बी द सेम इवेंट, इट विल बी अ परसेप्शन ऑफ द वन हु इज डूइंग द सेलेक्शन। अब जब आपने वो सिलेक्शन कर लिया है, देन व्हाट यू आर डूइंग, देन यू आर सेलेक्टिंग द चैनल। और चैनल पे बात आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की बात क्यों आती है? क्योंकि किसके पास एक्सेस है चैनल का? मीडिया को कंट्रोल कौन करता है? जिसके पास मीडिया का कंट्रोल है, उसके बेसिस पे ही ये सिलेक्शन यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। सो द पॉइंट हियर कम्स ऑफ कंट्रोल डायमेंशन। एक इवेंट हुआ, उसका सिलेक्शन आपने करा। सिलेक्शन यानी कि उसको कैसे समझना है, कौन सा इवेंट है, उसका परसेप्शन आपने तैयार करा, और अब उसको किस मीडियम के थ्रू भेजना है, ये एक आगे का स्टेप है। और ये डिपेंड करता है कि एक्सेस किस मीडियम के किस मीडियम की एक्सेस है, और उस मीडियम को कंट्रोल कौन करता है, उस चैनल को कंट्रोल कौन करता है। और ये जो पूरा कंट्रोल डायमेंशन है, ये डिसाइड करता है हमारा फॉर्म एंड कंटेंट। यहाँ पर मैंने एस और ई को अलग अलग लिखा है, बट यू कैन सी द डॉटेड लाइन इज देयर। डॉटेड लाइन मीन्स कि ये इसको अलग समझना जरूरी है, बट ये दोनों एक साथ ही हैं। सो व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड देम एज टुगेदर एस ई, लेकिन कैसे अलग हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। S is the signal of the event. Signal से मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि एक मैच चल रहा था, और as a reporter I went there to cover the match. अब मैं वहाँ पर मैच को कवर कर रही हूँ, और मैच होते हुए there comes a delivery by some good bowler, और वो विकेट को हिट करते हैं, and I as the camera person or I as a reporter I am noticing that when this all is happening there you have the wicket keeper MS Dhoni, and he was the one who was giving cues to the bowler, and that is why he was able to take the wicket. So you can understand that because I was able to notice that thing, I will be including that into my perception of the event. Ab maine wo camera se record bhi kar liya, and I am selecting the channel of video recording, and this will be displayed through TV channels to people. अब टीवी चैनल पर यहाँ पर एक्सेस और कंट्रोल कैसे आता है? आप सभी सुनते रहते हैं कि इस मैच के राइट इस कंपनी को मिल गए, उस कंपनी को मिल गए, इतने पे बिडिंग हुई है। सो यू सी दैट देयर इज कंट्रोल फैक्टर ऑल्सो। किसके किसकी बिडिंग ज़्यादा है, किसका कंट्रोल ज़्यादा है, उसके थ्रू ही वो आगे पूरा का पूरा ये एक्सेस का जो पार्ट है कि लोगों को किस चैनल के थ्रू वो एक्सेस होगा, वो इवेंट की रिकॉर्डिंग, वो यहाँ पर डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कौन सा चैनल कितनी बिडिंग कर रहा है, कितनी ज़्यादा आपके सोर्स है, कितनी ज़्यादा आपकी पहचान है। सो एवरीथिंग इज इन्वॉल्व हेयर। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग हेयर, द कॉन्टेंट ऑफ द वीडियो will definitely be impacted by the thing that it is a video recording. अगर मैं इसी चीज को वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू लिख के भेजूं, यानी कि फॉर्म जो है वो वीडियो के बजाय रिटन हो जाएगी, तो मैसेज किस तरीके से लिखा जाएगा? मैं दिखा नहीं सकती हूं कि धोनी कैसे क्यूज दे रहे हैं और बॉलर कैसे सुन रहे हैं, मेरे को वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, और लिखते हुए वो जो पिक्चर आपको दिख रही है वो वहां पर नहीं होगी। सो फॉर्म एंड कंटेंट आर रिलेटेड। सिग्नल ऑफ द इवेंट, इवेंट को किस फॉर्म में भेजा गया है वो उसके कंटेंट को शेप करता है। अगर वीडियो फॉर्म में होता तो मुझे इतना बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोलना पड़ेगा कि आप देख सकते हो यहाँ पर धोनी जो है वो उनको कुछ बता रहे हैं, और बाकी the people, those who are watching the video, they can understand on their own. लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ, क्योंकि फॉर्म बदल गया, तो मुझे सब बोलना पड़ेगा, और इसकी वजह से कंटेंट जो है वो भी बदलेगा. Then this process goes further. अब क्या हो रहा है? M2. M2 is what? M2 is the another person who is at the receiving end, और वो अपना कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहा है, अपनी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहा है, अपनी खुद की नीड्स, अपने खुद के उसके दिमाग में जो आइडियाज हैं, उसके दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग है, उन सब को लेके वो आ रहा है, और इस मैसेज के
मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा है, और क्या समझ पाएगा वो, जितना अवेलेबिलिटी उसके कॉन्टेक्स्ट की मैच होगी उतनी ही समझ में आएगी उसको कि इवेंट क्या था, क्या हुआ और किस तरीके से वो इस इवेंट को समझ सकता है। सो यहाँ पर SE1 विल बी व्हाट, जो आपको इवेंट का स्टेटमेंट मिला है उसका परसेप्शन। यहाँ पर जो इवेंट का मैसेज मिल रहा है उसका परसेप्शन डिपेंड कर रहा है कि जो सेकंड लेवल पे ह्यूमन बीइंग है वो अपना किस तरह का कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, किस तरह के आइडियाज, किस तरह के नोशन को लेके आ रहा है। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वेयर यू स्टार्ट विद एन एंड, सेलेक्शन ऑफ विच डिपेंड्स ऑन एम, एम इज द पर्सन। On the basis of his or her understanding, he is developing a perception about the event. Then he is choosing a medium to send the message. Choosing a medium depends on so many things. It depends on the availability of resources, on the finance available, on who controls the media, who has more source to the authorities, and lot many things. This is more political in nature. And then here you have the selected channel will impact the content, the message. आपने वर्ड फॉर्म चेंज करा है या वीडियो फॉर्म है उसका इम्पैक्ट कॉन्टेंट पे पड़ेगा। एंड देन हेयर अनदर ह्यूमन बींग विल ब्रिंग हिज कल्चरल आइडिया, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट हैपन, और उसके बेसिस पे उसका परसेप्शन डेवलप होगा। हो सकता है दोज हु हैव सम काइंड ऑफ यू कुड से अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम और अबाउट एम एस धोनी, दैट ही इज़ अ वेरी गुड विकेट कीपर, ही अंडरस्टैंड हाउ द बॉलर शुड बी बॉलिंग इन ऑर्डर टू टेक मोर विकेट, एट वॉट पॉइंट ही शुड बी बॉलिंग। तो उन सारी चीज़ों की जिसको समझ है, फॉर हिम इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट लेट से द पर्सन हु इज वॉचिंग द मैच इज समबडी हु इज नॉट सो open to Indian cricket team and the matches, he'll not be able to understand what is happening. He'll not be able to understand what kind of cues he could have given, what kind of wicket keeper he is. So the understanding will be very limited. But the one who understands Indian cricket team and the way Dhoni has been working, he'll be able to understand things more clearly. So this is how you can understand the entire model. एक इवेंट का सिलेक्शन एक ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जाता है और वो अपने परसेप्शन, अपनी समझ के हिसाब से उस मैसेज को समझता है। अगर आप जाके कहीं पर कोई इवेंट देख रहे हैं तो आप उसको अपनी समझ के बेसिस पे समझेंगे, फिर आप एक चैनल चूज करते हैं और उस चैनल के बेसिस पे उसका कंटेंट भी डिसाइड करा जाता है। लिखा जाएगा, वीडियो बनेगी, डिजिटल होगा, क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं, और उसको जब भेज के, उसको एक सिग्नल फॉर्म में जब आप भेज के आगे पास ऑन करते हैं, सो जो रिसीविंग एंड पे ह्यूमन बीइंग है वो अपनी समझ, अपने कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए उस मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जॉर्ज गर्बनर्स मॉडल। सो दीज आर थ्री मॉडल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देर आर फ्यू अदर मॉडल्स लाइक